सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक हमने जो शॉपिंग वेबसाइट स्टार्ट की थी उसमें हमने उसका फर्स्ट फ्रंट एंड जो फर्स्ट पेज था वो हमने डिजाइन कर लिया था। एक बेसिक एक प्रोटोटाइप हमने बना लिया था, एक डेमो के तौर पे एक चीज हमने बना ली थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वांटिटी था, प्रोडक्ट की इमेज थी, प्रोडक्ट का नेम था, प्रोडक्ट की प्राइस थी एंड एड टू कार्ट के लिए हमारे पास एक बटन था। क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन किसी भी किस्म का है? ओके गुड। अब हम क्या करेंगे, देखें मैंने इसके अंदर फॉर्मेशन रख दिया था एक अलग से, यानी कि फाइल कि भाई जब मैं एड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो ये वैल्यूज मेरी बैकग्राउंड में किसी फाइल की तरफ जाकर स्टोर हो जाएं किसी पर्टिकुलर चीज में, ठीक है। तो मैं इस नाम की एक न्यू फाइल बना लेता हूं यहाँ पे, द नेम ऑफ इंसर्ट कार्ड डॉट पी एच पी। मेरे पास फाइल बन गई, ठीक है। मैं इसके अंदर अगेन आ जाता हूं, ठीक है, एंड मैं सबसे पहले यहां सेशन स्टार्ट करूंगा। सेशन क्यों स्टार्ट करूंगा? क्योंकि हमारे पास दुनिया में जो एड टू कार्ड्स बनते हैं ना वो सेशन पर ही बनते हैं, ताकि भाई मेमोरी में बैकग्राउंड में कोई चीज पर्टिकुलर सेव हो जाए, और जब तक आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा रहे हो, चल रहे हो, आप मोर परचेजिंग भी कर सकते हो, तो वो एड टू कार्ड्स करते जाओ, बैकग्राउंड में वो सेशंस बनते जाएंगे और वो चीजें स्टोर होती जाएंगी। यानी कि अलग से डेटाबेस के ऊपर लोड डालने के बजाय क्यों ना हम टेम्पररी तौर पर एक मेमोरी हो हमारे पास, हम उसके अंदर उसको स्टोर करा दें। तो हम बेस्ट हमारे पास जो एक टूल मौजूद है वो सेशन पीएचपी के अंदर। तो मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूं यहां पे, चीजों को गेट करना कर लेता हूं। हमारे पास कितनी चीजें भाई, एक तो नेम ऑफ योर प्रोडक्ट है, प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट है एंड क्वांटिटी है, तीन चीजें हमारे पास। कितनी चीजें? तीन चीजें। हम तीनों चीजों को क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। भाई सबसे पहले नेम, हमारे पास पोस्ट था फॉर्म एक्शन, तो हम पोस्ट सही करेंगे क्योंकि गेट तो नॉन सिक्योर हो जाएगा, प्राइस ऊपर नजर आ जाएगी यूआरएल में हर चीज, तो यानी कि ये तो हमने नहीं रखना, ठीक है। नेम एंड देन प्राइस एंड देन ठीक है, हमने तीनों चीजें गेट कर ली, ये मैंने तीनों चीजें क्या कर ली, गेट कर ली, ठीक है। मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूं अलग से, इसके अंदर मैं एक एरे बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? एक एरे, और उसके अंदर तीनों चीजों को मैं क्या करा लेता हूं, स्टोर करा देता हूं। इससे होगा क्या कि मेरी तीनों चीजें एट अ टाइम एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, एरे के अंदर, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, एक सेशन क्रिएट कर लूंगा विद द नेम ऑफ फॉर सपोज, या नहीं, सेशन हमारे पास यूनिक होना चाहिए। सेशन क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। कैसे पता चलेगा भाई? क्योंकि अगर मैं सेम नाम का सेशन बनाऊंगा भाई, प्रोडक्ट नाम का ही सेशन बनता जा रहा है, फिर तो वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। न्यू प्रोजेक्ट चूज करूंगा तो पुरानी वाली प्रोडक्ट मेरी गायब हो जाएगी। ऐसे तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सेशन क्रिएट ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम से कर रहा हूं, जो नाम वहां से गेट होकर आ रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसी के नाम से मैं क्या कर रहा हूं, सेशन क्रिएट कर देता हूं, जिसको मैं प्रोडक्ट असाइन कर दूंगा, प्रोडक्ट असाइन कर दूंगा। एक बार मैं क्या कर लेता हूं, इसको प्रिंट आर, प्रिंट आर हमारा एरे फॉर्म में किसी भी पर्टिकुलर चीज को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी भी एरे को एक यानी कि वैल मैनर फॉर्म में, एरे फॉर्म में प्रिंट कराने के लिए काम आता है। तो मैं क्या कर लूंगा यहां पे इसके अंदर, या ये मैं बात इससे पहले करवा लेता हूँ, सेशन में इसको स्टोर कराने से पहले मैं प्रिंट आर करके इसको प्रोडक्ट को देखना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट जा रही है या नहीं जा रही। मैं यहां से क्वांटिटी भेजता हूँ टू एंड एड टू कार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही एड टू कार्ट किया तो जो देखो आ गया, मेरे पास पर्टिकुलर चीज क्या हो गई,
हो गई भाई। जीरो इंडेक्स पे शर्ट रखा हुआ है, इंडेक्स नंबर वन पे उसकी प्राइस रखी हुई है एंड इंडेक्स नंबर टू पे उसकी क्वांटिटी रखी हुई है। तीनों चीजें गेट हो गई एरेज के हिसाब से भाई। ये एरे में जीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, ये टू इंडेक्स, और ये भाई जीरो इंडेक्स, शर्ट नेम, शर्ट नेम, इंडेक्स नंबर वन शर्ट प्राइस, शर्ट प्राइस, इंडेक्स नंबर टू शर्ट क्वांटिटी भाई, शर्ट क्वांटिटी। ठीक है, मेरे पास चीजें क्या होती जा रही हैं, आ गई सक्सेसफुली आ गई है, यानी कि मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि इस पेज की तरफ मेरे पास चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही। तो मेरे पास सक्सेसफुली चीजें आ रही हैं। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रिमूव करके अपना सेशन क्रिएट करके वापस मैं हेडर कर दूंगा इस पेज को कहाँ, भाई एड टू कार्ट हो गया। वैसे भी नॉर्मल ये होता है, बस बटन पे क्लिक कर दो एड टू कार्ट हो जाता है, फिर बाद में व्यू करते हैं यहां से जाके। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं भाई, विद वन क्वांटिटी मैंने इसको क्या कर लिया अपने पास एड टू कार्ट कर दिया। ये वहां उस पेज की तरफ गया, रिडायरेक्ट होके वापस इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आ गया, यानी कि बैकग्राउंड में सेशन क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, एड टू कार्ट पे क्लिक करने पे वो गया होगा इस फाइल पे, सेशन को क्रिएट करने के बाद ये वापस हेडर हो गया इंडेक्स, इसी वजह से मेरे पास वापस इंडेक्स वाली फाइल ही ऑन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, ये कार्ड को व्यू कराने के लिए एक न्यू फाइल बनाऊंगा। ठीक है, विद द नेम ऑफ व्यू कार्ड डॉट पीएचपी। ठीक है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोड अपना कॉपी कर लेता हूं, ये वाला कितना ये। ठीक है, और मैं यहां पे इसका लिंक लगा देता हूं, व्यू कार्ड डॉट पीएचपी, मैंने बटन पे उसका नाम लगा दिया एंड ये मैं अपने इंडेक्स के यहां आकर भी इसमें लगा देता हूं। ठीक है, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं, व्यू कार्ड की तरफ आ गए, यही चीज खुली हुई है। ठीक है, और इसके अंदर मैं आफ्टर दिस एक और हेडिंग लगा देता हूं विद टू विद अलाइन एट्रीब्यूट सेंटर एंड पिंस के योर कार्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब नीचे मेरे पास पुश शो होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पेज के अंदर मैं पता है क्या करूंगा, फिलहाल मैं पूरा वो डिजाइन नहीं करूंगा, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये करके दिखाता हूं कि मेरे पास वैल्यूज यहाँ व्यू की तरफ आ रही है या नहीं, यानी कि सेशन जो क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं सबसे पहले सेशन स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे। याद रहे मैं अगेन ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि सेशन हमेशा स्टार्ट होता है टॉप ऑफ योर पेज, बिल्कुल टॉप पे फर्स्ट। ठीक है, अब मैं यहां पे आ जाता हूं, अगेन मैं यहां पे पीएचपी स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब मेरा सेशन जो है, मैंने पहले के भी आप लोगों को बताया था कि सेशन जो हमारा होता है वो एक एरे होता है। ठीक है, तो मैं सेशन को यानी कि तोड़ने के लिए, खोलने के लिए मैं यहां पे फोर इच लूप चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा, फोर इच लूप क्यों चला रहा हूं मैं दिखाता हूं भाई। सबसे पहले किस पे, सेशन जो बैकग्राउंड में क्रिएट हुआ है उस पे, सही है। और मैं प्रिंट आर कर देता हूं किसको, वेरी गुड। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूं, आ गई वैल्यूज मेरे पास। ठीक है, मेरे पास यानी कि मुझे सक्सेसफुली नजर आ रहा है कि हाँ सेशंस में से वैल्यू वैल्यूज टूट के मेरे पास यहां पे आ गई। क्लियर, एनी क्वेश्चन एनी? पर अगेन में अब पता है ये असल में क्या है, सेशन में इस वक्त पड़ा हुआ है हमारे पास प्रोडक्ट, यानी कि इस वक्त जो लूप चल रहा है वो मेरा सिर्फ प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है, ओनली प्रोडक्ट। उसके बाद यानी कि एक और यहां पे अंदर हम फोर ही चलाएंगे इन तीनों वैल्यूज को अलग अलग से निकालने के लिए, इन तीनों वैल्यूज को अलग अलग से निकालने के लिए हम अलग से एक फोर ही चलाएंगे, मगर वो हम काम करेंगे योर नेक्स्ट क्लास। फिलहाल आज के लिए इतना काफी कि भाई हमने क्या किया, इंसर्ट किया। ठीक है, इंसर्ट का तरीका बिल्कुल सिंपल था, उस पर्टिकुलर फाइल में वैल्यूज गेट करो, उसको एक एरे के अंदर स्टोर करो एंड देन उसको एक सेशन में एज अ वैल्यू पास कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, बस फिलहाल मैंने इतना ही काम किया, इस पे हम फर्दर कल काम करेंगे।
करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ तक अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे अगेन यहाँ पे अभी पूछ सकते हो। ठीक है, एंड मैं अपने व्यूवर्स को भी ये बात कहूंगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।